नमस्कार, एएमवी नेटवर्क की टीम आ पहुंची है राम जन्मभूमि अयोध्या में और अभी हम मौजूद हैं अयोध्या के सबसे लोकप्रिय लता मंगेशकर चौक में और यहां हम जानेंगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ, संत भी मौजूद हैं, कि क्या तस्वीर अभी की जो है और इससे पहले की कितना अंतर आया है अभी तक में। यहां पर अयोध्या में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है और एक पूरा, हम जब से आए हैं करीब 20-25 दिन से, बिल्कुल लगता है कि धार्मिक माहौल है, उत्साह का माहौल है और भगवान जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने वाला है, इसलिए उस शुभ अवसर पर मैं ये कला के यथार्थ गीता का विश्व के विभिन्न भाषाओं में मैं निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ यथार्थ गीता का। और ये आप नेट पर घर बैठे बैठे भी सुन सकते हैं यथार्थ गीता को, यूट्यूब पर आप सर्च करके। और ये संदेश जो है भगवान राम का जो अवतार मानस में बताया गया कि किस लिए होता है, किस अवसर पर होता है, तो असुरों का जब अधिपत्य बढ़ जाता है, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निज सज्जन पीरा, असुर मार थापाई सुरन राखई निज सुत सेत, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो विप्रधन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो भगवान का अवतार जो हर युग में होता है। तो और ये जो मानस की जो चौपाइयां हैं आज ये चरितार्थ हो रही है, त्रेता युग में भगवान ने जब अवतार धारण किया था और वर्तमान में उसी समय उसी इस जिसको आप कलयुग के लोग कहते हैं, इस समय लगता है कि त्रेता युग इसे अयोध्या धाम में आया हुआ है। और ये भगवान राम की ये जो है ये उनके रामत्व का ही प्रभाव है कि त्रेता युग से लाखों वर्ष पूर्व हो गया, आज भी उनकी यश कीर्ति की पताका सूर्य के समान प्रकाशमान हो रही है इस अयोध्या धाम में। अयोध्या का जो ये कायाकल्प हो रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले का अयोध्या और अब के अयोध्या में क्या फर्क है और इसका श्रेय किसको जाता है? ऐसा भगवान अपनी जो व्यवस्था है, अपना जो यश है, वो स्वयं प्रसारित करते हैं। हाँ, माध्यम में वो किसी को बना सकते हैं। और इसमें आप पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों का नाम है, जैसे माननीय अशोक सिंघल जी का, मेन हिंदू जो सबसे बड़ा जो मंदिर बनने जा रहा है हिंदू धर्म का, उनका भी नाम अशोक सिंघल जी का, उनका आप देख रहे फोटो लगा हुआ, यथार्थ गीता वो पढ़ते थे सुनते थे, तो यथार्थ गीता ही पढ़कर उनको प्रेरणा मिली थी कि यहाँ पर भी भगवान राम का एक, क्योंकि संसारियों में राम मैं हूँ गीता में कहा गया। तो अशोक सिंघल जी हैं, आपके यशस्वी जो वर्तमान में अगर आप बात कर रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा ये अथक उनके प्रयासों से, और ये जो माहौल जो इतना ज़्यादा धार्मिक माहौल जो बना हुआ, उत्सव का माहौल है, इन दो लोगों का वर्तमान समय में राजनेताओं का दो मुख्य नाम हम मतलब बताना चाहेंगे। तो जिस तरीके से कुछ अभी जिस तरीके से राजनीति भी होने लगी है, इस पर आप देख रहे होंगे कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे, जो शंकराचार्य संत भी हैं, वो उनका साफ तौर पर शंकराचार्य जी का कहना है कि ये जो मुहूर्त है जो प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करने वाले हैं वो सही नहीं है, वो समय सही नहीं है। भगवान का जो समय है जो बता रहे हैं ना, वो जहाँ वो जब भी पैदा होते हैं जो कर दें वही शुभ घड़ी है, वही शुभ समय है। भगवान के लिए शुभ घड़ी और शुभ घड़ी क्या होती है? भगवान का स्मरण से तो जोग लगन गृहवार तिथि, जोग लगन गृहवार तिथि, तुलसी घनत न काय, राम दाहिने जाय तो सबे दाहिने ताय। हम आपके पास, जय श्री राम। चलिए तो हम आपके पास आएंगे और यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आ रहे हैं? हम बिहार बेगूसराय जिला से आ रहे हैं। साइकिल से? जी साइकिल से। कितना दिन लगा आने में? 5 जनवरी का 2 बजे दिन में सिमरिया धाम से जल लेके चले थे। अच्छा। और हम 11 जनवरी को हम अयोध्या जी पहुँच गए और 12 जनवरी को हम हिंदू परिषद में गंगा जल माता का स्थापना कर दिए, वहाँ जमा कर दिए। क्या बात है। तो अभी आप इससे पहले अयोध्या आए थे कि कभी? नहीं आए थे। तो कैसा लग रहा है अयोध्या आके, जिस तरीके का विकसित? बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे हिंदुस्तान में खुशी का लहर है। एक चीज और हम कहना चाहते हैं, हम बिहारवासी हैं और नमस्ते बिहार का हम पैगाम लेके आए हैं। ये पूरे बिहार में कहीं भी बिहारी जाए तो उसको लोग नमस्ते बिहार करके बुलावे, यही मेरा सबसे बड़ा योगदान है। और पूरे हिंदुस्तान में एक चीज और कहना चाहते हैं, जो भी गरीब व्यक्ति हैं जिनको 5 दिया जलाने का पावर नहीं है, ओ भैया कृपया करके उस गरीब व्यक्ति को मदद करके और 22 जनवरी को उस घर में दिया जलावे और उसका खुशी जाहिर करे। ये सबसे बड़का धर्म का काम है और उस दिन ऐसा कीजिएगा, श्री राम प्रभु जी आप पर बहुत खुश होंगे। देखिए ये राम भक्ति में इतने विलीन
लोग हो चुके हैं कि साइकिल से बेगूसराय से अपना सफर तय करके, इतने 100 किलोमीटर का सफर तय करके ये अयोध्या पहुंचे हैं, रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए और अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है उसको उसका दृश्य देखने के लिए। क्या लगता है जो ये आप जल चढ़ाएं उसके बाद से आप यहाँ पर इतने दिनों में आए, 6-7 दिन लगा आपको आने में, कैसे वहाँ से चले, उसके बाद कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक सांस में चलाना साइकिल। आपको बताएंगे, हम वहाँ से चले तो पटना से पीछे एक तो जगदम्बा माँ का मंदिर है, खुसरूपुर जगह है, रात मैंने वहाँ बिताए। वहाँ से चले तो डायरेक्ट मैं आरा चले आए, आरा में रुके, उसके बिहान होकर मैं बक्सर में रुके, बक्सर में तीसरा दिन मसलन ध्यान किए, और चौथा दिन हम घुस गए यूपी, चौथा पांचवा, यानी कि 10 जनवरी को हम बाबा का जिला इन कर गए थे। आपको श्री कृष्ण धाम है एक तो, जखने जिला इन कीजिएगा तो श्री कृष्ण धाम है, वही धाम पर हम रात भर रहे, और 11 जनवरी को हम यहाँ पहुँच गए थे मंदिर पे। आप कल्पना कीजिए, इतने ठंड में कोई साइकिल से बेगूसराय से पटना होते हुए, आरा होते हुए अयोध्या पहुंचता है, और ये खुद में एक कठिनाई, एक चुनौती, अयोध्या पहुंचना, यहाँ पर जल चढ़ाना, जल लेकर साथ में। बहरहाल कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? तिवारी। कहाँ से आए? अयोध्या हमारा घर है। अयोध्या घर है, तो आप तो शुरू से अयोध्या में रहे, पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या है? अयोध्या बहुत बदल गया है, धन हो गए योगी जी मोदी जी, अयोध्या में यहाँ भारत वर्ष में जन्म लेके योगी और मोदी जी ने जो अयोध्या के लिए कर दिया है, हमें लगता है आज से अंत तक कोई नहीं कर पाएगा। किसको श्रेय देना चाहेंगे आपकी इसमें, पीछे किसका? पूरा संसार देख रहा, पूरा देश देख रहा है, श्रेय किसको देना है? आप लोग भी जा रहे हैं, जनता भी जा रही है, सब कोई जा रहा है, अगर श्रेय किसी को देना है तो मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को देना है। देखिए, अगर आप बात करें हम राजनीति की, क्योंकि इसमें अब बयानबाजियां शुरू हो गई है, कांग्रेस को न्योता जाता है, निमंत्रण पत्र जाता है तो वो आने से मना कर देती है, वहीं अगर हम किसी संत की बात ले तो शंकराचार्य एक महाराज है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो समय है, जो प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करवा रहे हैं वो समय सही नहीं है। देखिए, बात यहाँ पे भगवान को कमजोर नहीं करना चाहिए, किसी संप्रदाय से नहीं देखना चाहिए, ये भगवान राम सबके हैं और सबको आना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहिए, धन्य होना चाहिए सब लोगों को। हम यही कहेंगे कि अयोध्या सब आए, भगवान का दर्शन करें और दर्शन करके धन्य। धन्यवाद। कुछ और लोग सुने, क्या नाम हुआ जाता? मेरा नाम है परमात्मा दास। परमात्मा दास कहाँ से आए? यही के रहने वाले। घर है गोंडा जिला में। गोंडा जिला में। हाँ जी। कब आए यहाँ पे? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। हाँ जी। पहले आए थे इससे पहले कभी अयोध्या? आए थे तो कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले का अयोध्या और अभी का अयोध्या कैसा लग रहा है? बहुत फर्क लग रहा है, बिल्कुल मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, रामनगरी लग रहा है। और क्या, बहुत आनंद आ रहा है। तो बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से अब प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद क्या लगता है यहाँ के जो जितने भी सटे हुए जिले, चाहे गोंडा हो गया, जितना भी सटे हुए जिले हो गए, क्या लगता है कि कुछ फर्क वहाँ के लोगों को पड़ेगा, वहाँ के जो रोजगार मिलने में है, क्योंकि इतना विकास हो रहा है, रोजगार में आएगा प्रभाव कि रोजगार लोगों को मिलेगा? सबको अंतर पड़ेगा, सबको प्रभाव पड़ेगा, जैसे नजदीक के जितने जिले भी हैं वो भी यहाँ आकर रोजगार कर सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं, वो हैं, उनको भी परिवर्तन होगा। तो मतलब ढेरों उल्लास है लोगों में। क्या नाम हुआ बाबू? जय सियाराम सभी को, जय सीताराम। मेरा नाम सुधांशु पांडे, मैं विगत 10 वर्षों से अयोध्या धाम में रहता हूँ। क्या कुछ गीत भी सुनाते हो? बिल्कुल। राम राजा से अजो महाराने अवधपुर रज धाने, राम राजा से अजो महाराने अवधपुर रज धाने, की अति सुंदर सिया जनक ललीजू, अति सुंदर सिया जनक ललीजू, शोभा सेल गुड़ खाने अवधपुर रज धाने, राम राजा से अजु महाराने अवधपुर रज धाने, की सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी,
ऋषि मुनि देव बखानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया जो महारानी अवधपुर रजधानी। बढ़िया, देखिए पूरे लोग यहाँ पर राम भक्ति में विलीन है। क्या लगता है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कितनी खुशी कितना उल्लास? देखिए जब हम सब लोग आज के 8-10 साल पहले राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए जाते थे, हमारी आंखें वहां विभोर हो जाती थी जब भगवान राम का दर्शन करते थे। एक पुत्र बढ़िया कपड़ा पहने और एक पिता फाड़ कपड़ा पहने, आपको कैसे लगेगा? वो भी एक साल में रामनवमी के दिन भगवान राम का वस्त्र बदला जाता था, वो भी कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था, और धूल माटी बरसात होती थी, राम जी भीगते थे, हमारी उसकी आंखें भाव विभोर रहती थी। आज वो दिन आ गया है, आज एक टाट से ठाट की ओर हमारे भगवान जी जा रहे हैं। 500 वर्षों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। 500 वर्षों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज राम जाएंगे, लोग जाग जाएगी। बहुत बढ़िया, ये जो गाना गा रहे हैं, कब से सीखे ये सब गाना गाना और गीत वगैरह सुनाना, राम भक्ति में विलीन कब से हुए? बचपन से ये शौक था या फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ज्ञान हुआ? नहीं, बचपन से ही हमारा शौक था। हम विगत 10 वर्षों से अयोध्या में रह रहे हैं, तब से देखिए ये अयोध्या में बहुत परिवर्तन हो गया। जो सपा थी, बसपा थी, कांग्रेस थी, ये सब हमारे सभी सनातन प्रेमियों को लूटा। ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और योगी जी ने कहा हम मंदिर भी बनाएंगे तारीख भी बताएंगे, हमको लाओ। और वो आज दिन आ गया, मंदिर भी बनवा रहे हैं और तारीख भी बता दिए हैं, और 22 तारीख को हमारे रामलला विराजमान हो रहे हैं। कांग्रेस को निमंत्रण भी भेजा गया लेकिन वो सिरे से नकार दी कि वो नहीं आएगी, तो क्या लगता है इसके पीछे का क्या राजनीति लग रहा है? वो पापी क्या आएंगे अयोध्या में, उनको भगवान राम खुद नहीं बुला रहे हैं, वो निमंत्रण को ठुकरा दें। कोई मोदी जी तो लड़की का विवाह ठाने नहीं कि उनको निमंत्रण देंगे तभी आएंगे, और वो पापी है, अगर आते माता सरयू जी में स्नान करते माफी मांगते तो माता सरयू जी माफ भी कर सकती थी, लेकिन उनके ऊपर और पाप सवार हो गया। वो अपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनका भी विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, उनका भी विनाश होने वाला है। क्या लगता है ये जो कायाकल्प हुआ है और ये जो अयोध्या का कायाकल्प हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद से अयोध्या में ये रामलला का शुभ मंदिर बनना शुरू हुआ, और क्या लगता है इसका श्रेय किसको देना चाहिए, किसको दे रहे हैं आप? इसका श्रेय तो हमारे माननीय पीएम मोदी और सीएम जी का ही योगदान है, क्योंकि सपा बसपा कांग्रेस की भी उसमें कोर्ट था और कोर्ट से फैसला हमारे मोदी जी ने जीता है, तो हम उसका श्रेय मोदी जी को और योगी जी को ही देना चाहते हैं। बहुत नेता ऐसा भी कह रहे हैं, राजनीतियों का भी कहना है, बहुत लोगों का भी कहना है कि अधूरे मंदिर, अभी मंदिर पूरे तरह से नहीं बना है पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसमें क्या लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीति है या इसमें कोई राजनीति? देखिए राजनीति नहीं है, देखिए 500 वर्षों तक हमारे श्री सभी भक्तजन इसका इंतजार किए और वो पल अब आ गया, और जो भगवान का गर्भगृह मंडल आप जाकर देख लीजिए वो पूरे तरह से तैयार हो गया है, और जो अगल बगल और मंदिर बनने हैं वो अभी बाकी, और जो भगवान का प्राण प्रतिष्ठा जिसमें गर्भगृह भगवान का वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगा 22 तारीख को। चलिए ठीक है, 500 साल का संघर्ष समाप्त हुआ और राम मंदिर बनने को तैयार है। भैया क्या नाम हुआ? राम बाबू जी। राम बाबू। राम बाबू कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से कब आए? आज सुबह आया हूँ। आज सुबह। आज सुबह क्या लग रहा है, इससे पहले अयोध्या आए थे कभी? भी आया था, एक साल पहले आया था, तो बहुत बदल गया यहाँ पे। क्या लगता है पहले का जो अयोध्या था और अब के अयोध्या में आसमान का फर्क है? सब कुछ। ये श्रेय किसको जाए, मतलब ये इसके पीछे किसका आपको लग रहा है कि उनके वजह से है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उसके बाद से ये सारी चीजें विस्तार होना शुरू हुई। जी, ये बीजेपी मोदी जी का और योगी जी का सहयोग की वजह से हुआ सब। ठीक है, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे दो लोग साइकिल से आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम हुआ, कहाँ से आ रहे हैं? भैया हमारा नाम सत्यम है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, हरिद्वार से जल लेकर आए हैं। हाँ भैया, साइकिल से हरिद्वार से कितना दिन लगा? हमें 7 दिन लग गया। हाँ भैया, तो
जल वगैरह चढ़ गया, चढ़ा दिया जल कर दिया वो कार्य सेवकों है ना वहाँ पर जल समित कर दिया। इससे पहले अयोध्या आए थे कभी? अयोध्या आया था, पिछली बार ही आया था, इन दिनों में आया था ना। क्या फर्क लग रहा है पहले में और फर्क लग रहा है? देखो सारा फर्क ही है, उधर देखो इतना बड़ा तरक्की हो रही है, इतना बहुत अच्छा लगा। कितने दिन में लगातार चल के आए या फिर विश्राम किए कहीं? क्योंकि इतने ठंड में आना हरिद्वार से वो बहुत चुनौती का सामना। रात्रि को विश्राम करते हैं, रात्रि को जैसे 10-11 बजे लोग विश्राम करते हैं, एक दिन हम रात्रि भी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राम भक्तों को बहुत इसने बहुत प्यार मिला, बहुत इसने करा लोगों ने, बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पर एक और लोग हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? श्री राम सुमित पहलवान है भाई, सुमित पहलवान। आप भी हरिद्वार से आ रहे हैं? दोनों भाई हरिद्वार से आ रहे हैं। हाँ कहाँ भाई, कितने दिनों में आए? हम 7 दिनों में आए भैया। 7 दिनों में आए तो जो मतलब अब जल चढ़ाने आए, विश्राम करते थे रास्ते में और अयोध्या आए, क्या लग रहा है जो ये कायाकल्प देख रहे हैं आप पूरे अयोध्या का, किसको श्रेय दे रहे हैं? पूरी खुशी आ रही है ना, मन से खुशी निकल रही है, मन से खुशी निकल रही है। जय श्री राम। हाँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ हरिद्वार से लोग आए हैं, 500 साल का संघर्ष पूर्ण हुआ है ये लोगों का कहना है और राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पे बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा होगी।